क्या विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी पर लगेगा कोरोना वायरस का ग्रहण? कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई दोनों स्टार्स की चिंता, जिसके चलते छोटी हुई गेस्ट लिस्ट। दोनों की शादी के लिए 45 होटल्स बुक। तगड़ी सिक्योरिटी के लिए दोनों कर रहे हैं लाखों रुपए खर्च। शादी में सलमान खान के आने की खबरें हो रही है वायरल। वेल, विकी कौशल और कटरीना कैफ इन दिनों अपने कथित शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों 7 से 10 दिसंबर के बीच राजस्थान में 7 फेरे लेने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों 9 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। हालांकि इनकी शादी पर सस्पेंस बना हुआ है। विकी की कजिन सिस्टर ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट देकर सबको हैरत में डाल दिया था कि विकी और कटरीना की शादी नहीं हो रही है और ये अफवाह है। लेकिन इसके बावजूद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी की तैयारियां जोर शोर से जारी है। अब लेटेस्ट खबर के मुताबिक उनकी शादी के लिए तकरीबन 45 होटल्स बुक किए गए हैं। रिपोर्टेडली रणथंबोर में होटल ज्यादा बड़े नहीं है, इसलिए मेहमानों के स्टे के लिए कई सारे होटल्स बुक किए गए हैं। खबरें तो ये भी है कि विकी और कटरीना की गेस्ट लिस्ट फाइनल हो गई थी, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दोनों स्टार्स की चिंता बढ़ा दी है और वो अपनी गेस्ट लिस्ट छोटी करने पर सोच रहे हैं। खबर ये भी है कि सलमान खान 9 दिसंबर को आने वाले थे, हालांकि बाद में खबर आई कि वो नहीं आ पाएंगे। वहीं इनकी गेस्ट लिस्ट में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे जैसे शाहरुख खान, करण जौहर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी समेत कई नाम शामिल है। चलो अब देखते हैं कौन आएगा और कौन नहीं। वैसे शादी के लिए तगड़ी सिक्योरिटी व्यवस्था होने की भी खबरें सामने आ रही है, जिस पर हर दिन 15 लाख रुपए खर्च किए जाने की बात कही जा रही है। वेल, इनकी शादी पर अभी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि दोनों ने ही अपनी शादी की खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इंतजार है तो बस ऑफिशियल स्टेटमेंट का। वैसे इनकी शादी के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।